आप सभी को मेरे तरफ से जोहार दोस्तों। आज हमारे यहाँ कर्मा पूजा है, तो आप सभी झारखंड वासियों को कर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं आज आप लोगों को कर्मा पूजा दिखाने के लिए एक गांव में ले आई हूँ, जहाँ काफ़ी धूमधाम से कर्मा पूजा मनाया जा रहा है। तो मैं आज आपके साथ कर्मा पूजा शेयर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो एंड तक बने रहें। आगे चलते हैं पूजा की ओर। कर्मा पूजा में जावा उठाने की परंपरा बेहद खास है यहाँ, और लोकगीत के गुण के साथ यह त्यौहार 7 दिनों तक धूमधाम से मनाया जाता है। कर्मा पूजा एक ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे खास करके लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। यह पूजा जो है पाहान द्वारा कराया जाता है। पाहान जैसे जैसे कहानी बताते हैं, कथा सुनाते हैं, कर्म जो है इसका ऐतिहासिक, उसके अनुसार से पूजा किया जाता है, उन्हें याद किया जाता है और धूमधाम से यह त्यौहार को मनाया जाता है। यह खासकर आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है, लेकिन झारखंड में सभी जाति इसे धूमधाम से मिलकर एकजुट होकर मनाते हैं। यह त्यौहार हर साल भादो एकादशी में मनाया जाता है। कहा जाता है कि इससे फसल की उपज अच्छी होती है। यह कहानी दो भाइयों के बीच की है, जिनका नाम एक का था कर्मा, दूसरा का नाम धर्मा। दोनों भाई के गांव में भारी अकाल पड़ता है, जिसे भुखमरी की स्थिति आ जाती है। दोनों भाई पैसा अर्जित करने के लिए कहीं दूर चले जाते हैं। कुछ दिन वहां काम करने के बाद उनके पास काफ़ी धन अर्जित हो जाता है। उनको घर की याद आने लगती है। वे सोचते हैं घर मिल के आते हैं, तो जैसे वो वहाँ से निकलते हैं, रास्ते में थकान होने के बाद वे एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। वो पेड़ था कर्म का पेड़। जी हाँ, वहाँ पर बैठने के बाद लघुशंका लगने के कारण धर्मा दूर चला जाता है। यह देख करके कर्मा उसके थैली से कुछ पैसे निकाल लेता है, और जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि उसके पैसे कुछ गायब हैं, लेकिन वो अपने भाई कारण होने के कारण कुछ नहीं बोलता। जब वो घर पहुंचते हैं तो वहाँ कर्मा को पूजा किया जाता है, तो धर्मा उसमें सम्मिलित हो जाता है। लेकिन कर्मा का कहना था कि जब मैं आया हूँ तो मुझे पूजा करना है, क्या डाली को लेकर पूजा कर रहा है, बोल के उसे उखाड़ के फेंक देता है, साथ ही गाँव वालों को भी भगा देता है। परंतु दिन बीतते जाता है और धर्मा खुशहाल ज़िंदगी में मगरूर रहता है, लेकिन कर्मा का जो है धीरे धीरे पैसा खत्म होने लगता है, कंगाली की ओर जाने लगता है। जब वो पूरी तरह से कंगाल हो जाता है तो धर्मा को अपने भाई पर बहुत दया आने लगता है, तो कर्मा को बोलता है कि तुम मेरे खेत जाओ और उसमें कुछ फसल उगाओ और खुशहाल ज़िंदगी व्यतीत करो। यह सुनकर कर्मा जब जाता है खेत में, तो वो धर्मा का फसल हरियाली से भरा हुआ देख के जलन के मारे उसका फसल को उखाड़ के फेंकने लगता है। उसी टाइम आकाशवाणी होती है। देवी माँ बोलती है कि हे मूर्ख, ये क्या कर रहे हो, इसका घोर परिणाम तुम्हें झेलना पड़ेगा। यह कहकर गायब हो जाती है। और इतना सुनकर धर्मा जो है वो बहुत ही चिंतित हो जाता है और घबरा जाता है। फिर उसे रिलाइज होता है कि वो बहुत बड़ा पाप किया है। फिर वो कर्मा का पौधा लाने के लिए जाता है। रास्ते में उसे भूख लगती है, जो भी वो खाना चाहता है वो कीड़े में परिवर्तित होता है। पीना चाहता है वो पानी में भी कीड़ा दिखता है, और जब दूध पीना चाहता है तो वो खून की तरह दिखता है। चावल का लावा खाना चाहता है तो वो भूसा में परिवर्तित हो जाता है। काफ़ी दूर चलने के बाद भी कर्म का पौधा ना मिलने पर उसे ज्ञात होता है कि देवी माँ ने कहा था कि 7 समंदर पार करोगे तभी जाके तुम्हें कर्म का पौधा मिलेगा। यह ज्ञात होते ही वह समुद्र की ओर बढ़ता है और समुद्र में मगरमच्छ से मिलता है। मगरमच्छ कहता है कि मैं तुम्हारा मदद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि समुद्र सूखा हुआ है। तब उसके बाद उसे एक कछुआ की मदद मिलती है, जिसके सहारे वह 7 समंदर पार कर पाता है और वहां से कर्म डाली लाके अपने गांव में सबके साथ मिलजुल कर पूजा करता है, जो परंपरा अभी तक चलती आ रही है। और हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। आजा, आजा, आजा।